मेल एंड जैसे ही मैंने उस टाइम रियलाइज किया इट वॉज राइट इन द नॉमिनेशन रूम ओके ओके सॉरी लाइक नॉट इन दैट वे सो आई अंडरस्टूड दैट बट मेरा एक्चुअली यही मतलब था आर आई एम सेंग इट राइट ह्योर की आगे पीछे घूम घूम के शी लुक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम मुनावर एंड सेकेंड जो आपने बात कही है हाँ ईशा की नहीं आयशा की आपने एक और बात करी है मुनवर की चॉइस इन टर्म्स ऑफ कि जैसे मैंने हाँ चीप इन टर्म्स ऑफ कि अगर मैं उस जगह होती या मुनवर भी उस जगह होता जिसकी एक लव uh, लाइफ जो है रियलिटी शो में गई होती या मेरी भी अगर आधा अधूरा प्यार रियलिटी शो uh, में गया होता उसका क्लैरिफिकेशन लेने मैं उसके पीछे पीछे नहीं जानती सो आई डेफिनेटली स्टैंड बाय इट दैट इट वाज काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे इट वाज अ चीप एक्ट ऑफ गेटिंग अ माइलेज ऑन सम किसी और के शोल्डर पे, सो दैट्स वाई आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर मुनवर इन दैट कॉन्टेक्स कि अगर मुनवर मैं होती तो शायद मैं इस तरह ना जाती और मुझे लगता है मैं आपको जितना जानती हूँ आप भी इस तरह नहीं जाते किसी लड़की को चेस करने

Yeah. तो बट अगर आपने हिंट भी दिया आप कहते हो तो मैं इसको एडिट करवा देती हूँ डोंट पुट दिस मेरे को मेरा भी करियर बन रहा है आम ट्वेंटी ईयर ओल्ड गर्ल और ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड गर्ल मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए मैं किसी के शोल्डर पर कभी नहीं आती इज वट आई मेंट बाय दैट और जब ईशा ने ये बात बोली वहाँ पे बहुत क्लियरली क्लैरिफाइड था आयशा मेरे पास आई थी सबसे पहले रूम में मुझसे बात करने ये लोग सब बाद में आए एंड शी वॉज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एंड आयशा ने मुझे बोला कि वहाँ पे कि अब मैं मुनवर के पास अकेले जाऊँगी तो मेरा फिर वो मेरे को बातों में फंसा देगा ये वो तो शी वॉन्टेड एवरी वन टू गो जो भी हुआ फिर सब ने मुझे बोला कि देख वो बाहर जा रही है वन मुनवर सेट वो बाहर जा रही है एंड आई वेंट आउट एंड आई टोल्ड आयशा फ्रॉम अ गर्ल टू गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू कि आयशा देख ले वो तेरे को क्लैरिटी दे रहा है एंड दिस इज वट इट मीन्स क्योंकि मेरे को चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही समझ आता है या तो नहीं समझ आता वो गोल गोल घूमता रहता है जैसे अभी घूम रहा है ब्लैक एंड वाइट में ही समझ आता है मैंने उसको ये बोला कि अगर किसी लड़के ने मेरे को इस तरह बोला होता मेरे लिए तो यही होता कि भाई उस उसको मैं नहीं चाहिए उसने तो मुझे रिजेक्ट किया एंड दिस इज मैंने इतना डिटेल में नहीं बोला जितना मैं आपको बता रही हूँ दिस इज वॉट इट मीन्स दैट ही डजन लाइक यू इन दैट वे उसको ईशा ने नैरेटिव दिया बिकॉज ईशा की भी मुझसे एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी उसकी मुझसे दोस्ती हो गई एंड शी फेल्ट कि मैं अपना पत्ता क्लियर कर रही हूँ विच इन इट सेल्फ मीन्स कि आई लाइक मुनवर विच इज़ ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ काइंड ऑफ लाइक गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप तो इसका क्लियर हो गया एंड मेरा भी एंड आई वॉज लाइक डू इट दिस इज नॉट बी मेरी एक लाइफ में एक रिलेशनशिप रखने yeah. की एक अपनी चेकलिस्ट है सो डोंट क्वेश्चन मी ऑन दैट और मैं उसको इतना बोल ही नहीं पाई इन टर्म्स मेरा ही फेस ड्रॉप हो गया बिकॉज वहाँ पे विक्की भाई के पेरेंट्स बैठे थे अंकिता जी के एंड मेरे को लगा कि लाइक यू नो आंटी अंकल ये सब बैठे तो मैं खुद ही बहुत कॉन्शियस फील करने लगे क्योंकि मेरे घर में रिलेटिव या मामा मामी चाचा चाची उनके सामने हम ऐसी बात नहीं करते एंड आई वेंट एंड साइड अभिषेक आए कहता अब आ रहे हो बिकॉज आई वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड कि आंटियों के आगे ऐसी बात हुई है सो दैट्स वाई अगर मेरा फेस ड्रॉप हुआ तो फिफ्टी परसेंट तो इसलिए भी था कि वहाँ पे एल्डरली लोग बैठे हैं और मुझे सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गई आई वुड से दैट थैंक यू माय नेम इज़ विशाल मेरा सवाल अंकिता मैम आपसे होगा yeah. अंकिता जी हमने अंकिता जी हमने कई बार देखा है आपने अभिषेक को काम किया ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बार आपने अभिषेक को काम किया कुछ समय पहले आपने कहा था कि अभिषेक सुशांत सिंह राजपूत की याद दिलाते है yeah. क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर है इसके लिए आप अभिषेक को हमेशा काम करते हो अरे नहीं भाई अब अभ अभिषेक में कहा सुशांत को ढूंढू मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास है मेरा जो भी है लेकिन यस अभिषेक के लिए मेरे को डे वन से जब मुझे पता भी नहीं था ये सुशांत का जो भी फ़ैन है और प्लीज़ लेट्स नॉट इंक्लूड सुशांत इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल बट ठीक है आपने पूछा तो बताना चाहती हूँ मुझे अभिषेक में हमेशा एक यू you नो know, एक अच्छा एक मुझे एक देवर वाली फीलिंग आती थी क्योंकि विक्की और अभिषेक का एक बहुत स्ट्रॉग रिलेशनशिप था तो मुझे ना उसको देख के ऐसा लगता था कि चल जबकि बदतमीजी वो मुझसे तभी भी करता था बट मुझे लगता था कि चल माफ किया यू नो मैं तभी लिटरली मुझे फीलिंग आती थी कि ये एक विकी का छोटा भाई है और थोड़ा बदतमीज़ है जिसे मुझे हैंडल करना है पर मैंने हमेशा वो डोर अभिषेक के लिए ओपन रखा इसलिए जब अभिषेक ने एक बार मेरे लिए जब उसने मुझे क्लियर बोला कि मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना तब मैं समझ गई थी और वो मेरा लास्ट डे था क्योंकि मैंने सोचा कि जिसको जब मैं नहीं चाहता कोई मुझसे रिश्ता रखना मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती लेकिन उसके बाद भी जब अभिषेक गया है जब घर से बाहर गए थे आई स्वेर मुझे पता नहीं क्यों आई रिग्रेट दिस मुझे क्यों इस लड़के के लिए इतना रोना आया

आ, हमने स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड देखा अनुराग के साथ और मुन्नावर के साथ अनुराग के साथ आपकी लड़ाई हुई वो बॉन्ड खत्म हो गया बहुत चीज़ें लेकिन मुन्ना के बारे में आपने हमेशा मतलब बैग बीची किया है जब वो फ्रेंड्स भी थे उसके बाद भी बट हमेशा आपने मुन्वर के सामने लाइक एक बॉन्ड दिखाने की कोशिश की है क्या ये हैशटैग मुनारा का कोई है क्योंकि आपको ये मिलता रहता था कि मना, मुन्नार मनारा चल रहा है हैशटैग मुनारा तो इस वजह से कि ये भी चलता रहे बट हमेशा आपने उनको गलत ही बोला है अगर वो फ्रेंड्स भी थे तब भी और उसके बाद भी ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने आई नो कि आ, आप क्या बोल रहे हो बिकॉज मुनवर और अनुराग इस शो में हमेशा ही एंटी रहे हैं पर मैंने कभी जानने की वो कोशिश नहीं करी कि उन दोनों का एंटी रहने का रीज़न क्या था मैंने हमेशा एट डिफरेंट जंक्शंस जब अनुराग भी लो फील करता था मैं मुनावर को मैं उसको हमेशा बोलती थी तो रुक मैं अंदर से ना मुनावर को बुला के रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता था अगर वो मुझे बात करके मेरे को ओके okay कर देता तो उसको भी कर देगा क्योंकि ये भी मेरा दोस्त ही है सो आई ऑलवेज मेंटेन दैट एंड बाकी अबाउट बिचिंग और समथिंग आई वुड से मैं अगर अनुराग के साथ आठ घंटे बिताती हूँ वेरी ऑनेस्टली तो और मुनावर भी मेरा दोस्त है तो उसके बारे में भी मे बी मैंने बात करी होगी बट नेवर इन दैट कॉन्टेक्स्ट और हैश टैग मुनारा उसको देख के बिग बॉस के साथ भी बहुत कॉन्वर्सेशन होती थी मैं बहुत कॉन्शियस फील करती थी बट नाउ आई थिंक एम फाइन विद इट एंड मुनावर के साथ मैंने ऐसी कोई बॉन्ड बनाने की कोई कोशिश नहीं करी इट वॉज़ अ म्यूचुअल थिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं करते अपने आप को और ना कोई आपको आपको दोस्त बनाने के लिए फोर्स करता है वो भी इस घर में बहुत लड़कियां थी किसी से भी दोस्ती कर सकते थे अनुराग के लिए भी बहुत ऑप्शंस था वो भी किसी से कर सकता था बट काइंड ऑफ उन दोनों ने भी मुझे चूज़ किया देर इज़ नथिंग लाइक दैट विद अनुराग आई फील मैं घर से बाहर भी जाऊंगी तो डेफिनेटली उसके साथ मैं उसकी बाइक पे जरूर राउंड मारने जाऊंगी वो बॉम्बे आएगा तो मेरे घर ही रहेगा और इसके साथ भी सेटल शायद कर लेंगे हेलो अभी मेरा नाम है आई एम फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड मेरा क्वेश्चन है विकी, स, विकी जैन से uh, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा जब अंकिता से झगड़ा करते हो आप कहते हो कि आपके रिएक्शन की वजह से मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ uh, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अंकिता का रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद एक्शन में कुछ प्रॉब्लम uh, है या शी इज गेटिंग इरीटेटेड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट्स हैपनिंग विद इमोशनली आपने ये भी कहा कि uh, आपका लॉजिक क्या है मैं मनारा से बात करना बंद क्यों करूं बट वो शायद लॉजिक की बात नहीं थी तभी इमोशन की बात थी माय क्वेश्चन इज़ कि आपको क्यों इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है मनारा से कट ऑफ करने में आपको अभिषेक ने भी कहा कि उनको दिक्कत है तो आप बंद कर दीजिए मैम मतलब शायद मुझे करना एक्चुअली ऐसा ही था तो शायद सब सही रहता और मतलब मैं सच बता रहा हूँ मैं इतना आ, समझ रखता हूँ कि मुझे पता है क्या करने से क्या आउटकम आ सकता है और कैसे चीज़ें करनी चाहिए तो सब चीज़ें अच्छी दिख सकती हैं अच्छी रह सकती हैं बट सच में आ, मैं एक चाइल्ड लाइक इमोशन होता है ना कि मैं बस जैसा मुझे उस टाइम पे फील हो रहा था मैं मुझे लगा मुझे वहाँ जरूरत है उससे पूछने की कि अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी से बातचीत बंद कर दूँ तो आप मुझे एक रीजन दे दीजिए कि ऐसा मैंने कि अगर मैं अपने आप में कोई सुधार कर सकूँ अगर मैंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जो आपको नहीं अच्छी लगी तो मुझे भी वो जानना जरूरी है आप मुझे बताइए तो उन्होंने सिर्फ मुझे कहा नहीं बस कुछ नहीं बस तू कर दे तो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा उस टाइम पे क्योंकि मैं बार बार इनको ये कहता हूँ कि देखिए हम मैं भी इस शो में आया हूं आप भी आए और जब आपकी वो परिस्थिति थी तो मैं आपके किसी डिसीजन फैसले में कभी बीच में नहीं आया जब मेरा बहुत मन जब मुझे ये बोला जाता है कि हर चीज़ में बीच में चला जाता हूँ तो हो सकता है लेकिन मैंने अगर नहीं गया तो मैं मुझे वो बहुत मेहनत लगी वो करने में और मैंने हमेशा उनको ये बोला कि हम दोनों एक ही बात करके आए थे कि अगर ये शो में हम दोनों जा रहे हैं तो हम दोनों अपना बेस्ट देने के लिए हम दोनों कम से कम एक दूसरे को वो स्पेस देंगे और उतना ह्यूमन समझेंगे कि दोनों अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं बिकॉज इवेंचुअली वी आर मैरिड कपल हमारे बीच में वो इनसिक्योरिटी का जोन शायद नहीं होना चाहिए बिकॉज हम दोनों शादीशुदा है हमें एक ही घर जाना है हमारी लाइफ हमें पता है क्या है अब ये कोई वादों पे नहीं जिंदा है कि मैं आपको एक वादों पे रखा हुआ हूँ और वो वादे आपको हटते दिख रहे हैं हमारी ऑलरेडी शादीशुदा जिंदगी है हमारा परिवार है सब कुछ है हम यहाँ पे एक पर्पज के लिए आए लेट्स बी फोकस्ड ऑन दैट पर्पज लेकिन कहीं ना कहीं शायद उन उस समय मैं शायद उन इमोशंस को नहीं समझ पाया और मैं एक क्रॉस क्वेश्चनिंग पे चला गया जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी मुझे अगर वो मुझे बोल रही थी कि बस मुझे बुरा लग रहा है तो इससे बात मत कर तो मुझे कर देना चाहिए था कभी उनको सना से लगा कि वो ऐसा हो रहा है मत कर दे तो मुझे बंद कर देना चाहिए था मैं बता रहा हूँ कि मतलब शायद ऐसा होना चाहिए था बट मैं वो नहीं कर पाया सो so, अगर उसके लिए कोई पेन कॉज हुआ होगा तो आई 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 विल बी सॉरी फॉर दैट ऑलवेज बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था ये सच में मैम यहाँ कुछ करने को नहीं होता है एक बात से बातें बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सच में अगर यहां पे कुछ और काम हो ना, तो शायद बाहर की में जैसे हम चीजों को पे हम मतलब 16 घंटे रहते हैं हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम पर जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा की आ, आपने मनारा को कहा कि इसमें सेक्सी लगेगी तो वो शायद अंकिता को वो बात लगी है मेरे को तो याद भी नहीं है उन्होंने ऐसा बोला हमें भी बताओ क्या है कब बोला मैंने क्या पहना था कपड़ों पे